26 जनवरी के समारोह के लिए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 26 जनवरी की परेड से पहले होने वाली फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए सुरक्षा बढ़ाने के साथ इंडिया गेट जाने वाले ज्यादातर रास्तों को बंद कर दिया गया और वहां तैनात जवानों ने आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी लेने के बाद ही उनको आगे जाने दिया। सुरक्षा में कोई चूक न हो इसके लिए बड़ी तादाद में सुरक्षा बल को पूरी दिल्ली में जगह जगह तैनात किया गया है। मैं मौजूद हूँ INA मेट्रो स्टेशन के बाहर और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम है। पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान यहाँ पर तैनात हैं और साथ ही साथ दिल्ली के पुलिस के जवान भी तैनात हैं। वहीं 26 जनवरी की परेड से पहले होने वाली फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए इंडिया गेट और आसपास के इलाके में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई और राजपथ की तरफ जाने वाले रास्तों को बैरिकेड लगाकर बंद किया गया। परेड के रास्ते में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों के साथ कमांडो भी तैनात किए गए। फुल ड्रेस रिहर्सल के समय सुरक्षा में कोई चूक न हो इसके लिए दिल्ली पुलिस के अधिकारी पूरी रात सुरक्षा इंतजाम का जायजा लेते दिखाई दिए। सुरक्षा इंतजाम के साथ ही वहां एम्बुलेंस की भी तैनाती की गई। फुल ड्रेस रिहर्सल परेड की वजह से वहां कई रास्तों को डाइवर्ट किया गया। वहीं दिल्ली पुलिस ने लोगों को सेंट्रल दिल्ली के इलाके में आने से बचने की सलाह दी। यूपी के गोरखपुर में कॉलेज में छात्रों के दो गुटों के बीच मारपीट का एक वीडियो वायरल हो गया। कॉलेज परिसर में हुई मारपीट के दौरान छात्रों के दोनों गुटों के बीच जमकर लाठियां और लाठगुसे चले, जिसमें छात्रों के गुट ने दूसरे गुट को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। छात्र खुले मैदान में दोनों तरफ से एक दूसरे पर लाठगुसे बरसाते नजर आए, जबकि कुछ हमलावरों ने लाठियों से भी हमला किया। दोनों गुटों के बीच हुई लड़ाई में कई छात्रों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। अचानक कॉलेज कैंपस में लाठी लेकर एक दूसरे के पीछे भागते छात्रों की वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस बीच छात्रों की भीड़ भी मौके पर जमा हो गई, जिनमें कुछ ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि दो गुटों के बीच हुई इस मारपीट में दो छात्र घायल हो गए। मध्य प्रदेश के गुना में जिला अस्पताल में मरीजों को थाली की जगह उनके हाथ पर खाना परोसे जा रहा है। दावा यह है कि अस्पताल में थालियां गायब होने के बाद ये फैसला लिया गया, जिससे मरीज काफी परेशान है क्योंकि मरीजों को गर्म खाना अपने हाथों पर लेना पड़ रहा है। अस्पताल में खाना लेने के लिए पहले तो मरीजों को लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। इसके बाद अस्पताल का कर्मचारी गर्म रोटी के ऊपर सब्जी या फिर दलिया रखकर उन्हें देता है। कभी कभी रोटी के ऊपर सब्जी और दलिया के साथ मरीज को दिया जाने वाला सलाद भी रख दिया जाता है। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती कुछ मरीज दाल लेने के लिए अपने घर से कटोरी या गिलास लेकर आते हैं। तो एक भी बार बर्तन वगैरह नहीं दिया, आपके पास बर्तन नहीं होगा फिर कैसे लोगे? इस मामले में जब अस्पताल प्रशासन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जल्द सभी मरीजों को थाली में खाना देने की सुविधा देने का भरोसा दिया। थाली में खाना दिया जाए। गुना जिला अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज अपना इलाज करवाने पहुँचते हैं।